12. Да, это Москва, и мы умеем отрываться. Мы умеем делать звук, мы умеем делать баксы. Эй, эй, нигеры стреляют, словно М16. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सबको आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं GTA 5 में कार को रिप्लेस। तो काफ़ी लोगों का ये मसला होता है कि उनकी कार रिप्लेस हो जाती है पर बाद में या तो गेम क्रैश हो जाती है या फिर कार में मसला होता है या फिर उसकी जो है गेम में जो है ना एरर वगैरह पैदा हो जाते हैं, जैसे गेम लैग करती है और काफ़ी मसला पैदा हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। ये सारे मसले आपके कोई नहीं होंगे, आपको सिर्फ करना ये है कि आपको मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके बाद आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वरना आपकी गेम ख़राब हो जाएगी, नहीं चलेगी फिर। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्च करना है GTA 5 मोड्स और हम जो है रिवो डाले को जो है रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा रिवो डाला और ये GTA 5 मोड्स के अपनी वेबसाइट है, GTA 5 की तरफ से आती है। आपको सिंपली सिर्फ इधर से ही कार्स वगैरह इंस्टॉल करनी है, बाकी वेबसाइट्स वगैरह फेक हैं, वहाँ से आपकी गेम वगैरह भी क्रैश हो सकती हैं। आपको उस डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पर फिर से डाउनलोड की ऑप्शन होगी, इसको आपको सिंपली कर लेना है यहाँ से डाउनलोड। तो आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम कुछ वेट करेंगे इसका, फिर आगे जब डाउनलोड होती है तो फिर आगे का स्टेप हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लेफ़्ट साइड में हमारी गेम की कार की फाइल डाउनलोड हो गई है। तो अभी हमने सिंपली दिस पीसी को ऑन करके उसमें जो है अपनी डाउनलोड्स में जाके अपनी गेम की फाइल ओपन की है। लेफ़्ट साइड में अभी हम करेंगे ओपन आईवी को ऑन। उसमें अगर आपको ओपन आईवी के बारे में नहीं पता और मोड्स का फोल्डर आपने क्रिएट नहीं किया तो आप मुझे एक कॉमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए उसकी भी वीडियो लाऊँगा। तो आप देख सकते हैं हमने ओपन आईवी भी ऑन कर लिया है। यहाँ पर एडिट मोड में जाना है लाजमी है। ये देख सकते हैं आप मोड्स का फोल्डर मैंने अलग से क्रिएट किया था और इसमें ये अलग से मैंने फाइल्स वगैरह डाली थी, अपडेट x64e.rpf, इसमें आपको जाना है। उसके बाद लेवल्स में, फिर GTA 5, फिर व्हीकल्स। ये जो है ये है आपकी गेम की तमाम फाइल जिसमें आप सारी कार्स आपकी यहाँ पर 3D मॉडल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये कार है, जैसे ये इसका आप देख सकते हैं बिल्कुल 3D मॉडल काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये आप इसको जैसा आप जो सी कार का आपको रिप्लेस करने का दिल हो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हमें करनी है BJ XL को, कार को रिप्लेस करना है। आप देख सकते हैं ये सब बाइजन ये कार्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब आपकी गेम में पहले से हैं, पर आपको अभी हमें इस कार को रिप्लेस करना है अपने रिवो डाले के साथ। ये बहुत ही सिंपल है, आपको इसको सिर्फ करना है राइट क्लिक, रीनेम पे जाना है, आपको इसको कॉपी कर लेना है ये इसका जो नाम होगा। उसके बाद आपको सिंपली आना है अपने फाइल में जो आपने डाउनलोड किया उसको रीनेम कर लेना है। दोस्तों ध्यान रखना है आपने सिर्फ कार के नेम को रिप्लेस करना है रीनेम, आपको ये YTD, ये YFT, ये आपको इनको कुछ नहीं छेड़ना, इनको आप जैसे है वैसे ही रहने। ये देख सकते हैं जैसे ये अभी H12 HI ये भी डिलीट होने वाला था, पर आपको इसको बचा के रखना है। सिर्फ आपको BJ XL को यहाँ पर पेस्ट करना है, उसके बाद आपको सिंपली इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो इंस्टॉलेशन होगी वो यहाँ पर डन। अभी मैं आपको दिखाता चलूँ BJ XL कार में, आपको देखेंगे रिवो मिल, तो ये देखें जी दोस्तों कमाल की लुक दे रहा है हमारा रिवो डाला। इसमें कोई भी इशू नहीं है, ना आपका कोई टायर वगैरह ऊपर नीचे, सब बिल्कुल फिक्स है। इसका 3D मॉडल काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी लुक अच्छी दे रहा है। तो दोस्तों इतना सिंपल था, आपने सिर्फ अभी ये इतना सा काम करना था, आपका रिप्लेस मेथड जो है वो यहाँ पर हो चुका है डन। अभी हम करेंगे सबको क्रॉस और आपको गेम में जाकर भी दिखाएंगे कि ये सब वर्क करता है। तो गेम में मिलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गेम में। तो अभी हम दिखाएंगे आपको कार को स्पॉन करके। दोस्तों अगर आपने मेन्यू को भी इंस्टॉल नहीं किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास मेन्यू इंस्टॉल है, यानी मेन्यू का मोड भी है मेरे पास। तो मैं सिंपली F8 को दो बार प्रेस करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा व्हीकल ऑप्शन में,
उसके बाद व्हीकल स्पॉनर, और फिर उसके बाद व्हीकल स्पॉनर, हाँ व्हीकल स्पॉनर में जाएंगे। यहाँ पर इनपुट मॉडल में यहाँ पर हमें सर्च करेंगे BJXL, जैसे देख सकते हैं मैंने किया। तो ये हमारा जो है वीवो डाला, यहाँ पर आ चुका है टोयोटा की तरफ से जो आता है, तो काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है इस, काफ़ी मज़ेदार लुक है इसकी यार, खतरनाक लुक है बिल्कुल, फुल बदमाशों वाली फीलिंग आ रही है यार इसको देख के। तो दोस्तों देख सकते हैं कोई भी मसला नहीं है कार में। अभी आपको सिंपली नहीं है इस तरह का, आपको सिर्फ मेरे स्टेप्स को फॉलो करके आपको ये कार मिल सकती है। अगर आपने मूड्स का और फोल्डर नहीं क्रिएट किया तो आप सिंपली जो है ना उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट X64, ये दो फाइल्स होंगी आपकी GTA 5 की डायरेक्टरी में, उसको आप मोड्स फोल्डर में जो है ना सिंपली जो है ना कॉपी पेस्ट करना है, मोड्स का फोल्डर अलग से बना लेना। उसके बाद आपको उसमें जो है X64.E.RPF फाइल भी आपको डालनी होगी, तो आपका जो है मोड्स का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर नहीं जाइएगा, वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। Нац дает там скай, мы умеем отрываться, мы умеем делать звук, мы умеем делать баксы, эй, эй, нигеры стреляют, словно М16.